नमस्कार, मैं हूं राजा तिवारी, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल। आज हम पहुंचे हुए हैं गौरा गांव में। यहां बहुत सारे नवयुवक हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि आने वाले 2019 के लोकसभा के चुनाव को लेके इनका क्या कहना है, क्या सोच है, किस प्रकार के उम्मीदवार ये चाहते हैं इस भोजपुर जिला से। मिलते हैं सभी से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नारायण ठाकुर। घर कहाँ आपका? गौरा। आप इस 2019 में लोकसभा के आने वाले चुनाव में किस प्रकार का उम्मीदवार चाहते हैं? हम उम्मीदवार यही चाहते हैं जो अच्छा छवि का हो और ना ही किसी पार्टी से हो, इसलिए कि हर पार्टी को हम लोग देख चुके हैं। इस बार एकदम स्वतंत्र सोच वाला हम प्रत्याशी चुनेंगे और उसी को मत देंगे। बस आपका नाम क्या है? घर कहाँ आपका? चलेंगे। आपके हिसाब से कैसा उम्मीदवार होना चाहिए? मेरा हिसाब से एकदम युवा चाहते हैं, बहुत पुराने को भी अजमाना है। राहुल पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, राहुल ये कुछ नहीं, मुझे युवा चाहिए, कोई पार्टी से नहीं चाहिए, बिल्कुल पार्टी से दूर चाहिए, फ्रेश बोलो, अच्छा चाहिए जो हम लोग के लिए काम करे। आपके हिसाब से आने वाले 2019 के लोकसभा चुनाव में कैसा उम्मीदवार होना चाहिए? जो युवा को सपोर्ट करे, युवा के लिए जो नौकरी रोजगार और मतलब कि जितना व्यवस्था शिक्षा का और जितना रोजगार हो सके उसका प्रबंध किया जाए और फैक्ट्रियों का मतलब खासा इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे उपलब्ध कराया जाए, वैसा नेता चाहिए जो एकदम निर्दलीय हो, किसी पार्टी से कोई सपोर्ट नहीं, जमीनी नेता। अच्छा, अगर बात करें यहाँ वर्तमान सांसद महोदय के बारे में तो उनसे यहाँ कौन कौन सा विकास का कार्य हुआ है? अभी तक तो कोई भी नहीं, कोई विकास का कार्य नहीं हुआ, कोई भी नहीं। लगभग अब सत्र खत्म होने वाला है, अभी बस तीन चार पाँच महीने बचे हुए हैं 5 साल पूरे होने में, तो अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ। 19 की शुरुआत हो गई, अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ। बिजली भी जो लगी है वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा लगी हुई है, यहाँ पे कोई भी सांसद के द्वारा कोई कार्य संपन्न नहीं हुआ। चिंटुआ आपके हिसाब से आने वाले 2019 में लोकसभा के चुनाव में कैसा उम्मीदवार सूरत बोल रहे हैं कि जाते हैं कमाने के लिए तो 15,000, अगर हमारे घर 5,000 का सीटें मिलने लगे तो हम क्यों जाएंगे सूरत पलायन, क्यों करेंगे हम आज क्यों जाएंगे? आज बोल रहे हैं कि कमलनाथ तिवारी मध्य प्रदेश में, वहाँ से बोल रहे हैं कि बिहारियों को हटाया जाए, ये बोला जाए, वो बोला जाए, उन्हें हटा रहे हैं। अगर हमारे यहीं पे रोजगार धंधा मिल जाएगा बाजार पर या आरा या पटना तक के, तो हम क्यों जाएंगे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या गुजरात या महाराष्ट्र? आप उम्मीदवार कैसा चाहते हैं आने वाले आगामी 2019 लोकसभा के चुनाव को लेके, आप कैसा उम्मीदवार चाहते हैं? वही जो युवाओं पर ध्यान दें, रोजगार धंधा चाहिए, बस वही चाहिए। क्या नाम है आपका? घर कहाँ आपका? आप कैसा उम्मीदवार चाहते हैं 2019 में? वही युवा चाहेंगे जो युवाओं के साथ जो युवाओं के लिए काम करे। क्या नाम है आपका? विद्यांशु कुमार ठाकुर। घर कहाँ आपका? गौरा। आप आने वाले 2019 के लोकसभा के चुनाव में किस प्रकार का उम्मीदवार चाहेंगे इस अपने भोजपुर जिला से? देखिए, उम्मीदवार अभी तक जितने भी प्रत्याशी खड़ा हुए हैं या फिर जो भी सांसद हैं उनकी उम्र एक निर्धारित की गई है। हम लोगों को प्रत्याशी से ज़्यादा आशा उम्मीद ये है कि अच्छी नौकरी मिले हम लोगों को, और एक जो नियम ये निर्धारित किया गया है कि 27 वर्ष के उम्र में ही मतलब हम लोग उतने तक ही फॉर्म भर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं भर सकते हैं, और जो प्रत्याशी हैं वो 54 साल के बाद भी अपने चुनाव लड़ रहे हैं। तो मेरा कहना ये रहेगा कि जो भी प्रत्याशी हो उनका भी एक उम्र निर्धारित किया जाए, कि कम से कम ज़्यादा उम्र के प्रत्याशी जो होते हैं तो उनका एक उम्र निर्धारित, क्योंकि एक सीमित उम्र में ही वो भी अपना इलेक्शन लड़े, ना कि कोई भी आता है अगर 67 साल का है वो भी अपना नामिनेशन करा करके लड़ने लगता है। तो हम लोगों को चाहिए कि जो नया प्रत्याशी हो वो अगर बनेगा नया नेता तो हम लोगों पर ध्यान देगा विशेष, अगर वो लोग 54 साल में अपना चुनाव लड़ रहे हैं तो हम लोग भी चाहेंगे कि आगे चल के हम लोगों को 30 साल में भी फॉर्म भरें, चाहे जो भी फॉर्म है, ये नहीं कि 27 साल के हैं तो अब एज लिमिट हो गया, अब इससे ज़्यादा कुछ चाहिए ही नहीं, इस तरीके का हम लोग का सोच है और यही चाहते हैं कि कोई भी प्रत्याशी क्वालिफिकेशन की जरूरत। जैसा कि आपने देखा, हम गौरा गाँव में यहाँ मौजूद थे, यहाँ बहुत सारे युवक नवयुवक हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे सभी से बारी बारी से हमने जाना कि आने वाले 2019 के लोकसभा के चुनाव में किस प्रकार का उम्मीदवार यहाँ होना चाहिए। तो ज़्यादातर तो देखने को मिला कि युवा ही होना चाहिए, और सबसे एक पॉइंट इन लोग का मिला
कि हम युवाओं को नौकरी पाने के लिए एक एज लिमिट होता है, लेकिन नेताओं को कोई एज लिमिट नहीं दिया गया है। वो 54 साल बाद 60 साल बाद ही मुख्यमंत्री का, विधायक का, सांसद का चुनाव लड़ना शुरू करते हैं, तो इस चीज़ पे भी पाबंदी लगाई जाए, उनमें भी एज लिमिट किया जाए, ये यहाँ के युवाओं का सोच है। बहुत ही अच्छा लगा इनसे मिलकर। समृद्धि न्यूज़ चैनल सराया तिवारी, कैमरामैन विकास के साथ।